हेलो दोस्तों नमस्कार, स्टडी पोर्टल में आपका स्वागत है। मैं आपका साथी और गाइड डॉक्टर विजय। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं, जितने भी टीचिंग एग्जाम्स होते हैं उनमें चाइल्ड डेवलपमेंट पैडागोजी का एक बड़ा रोल होता है। और आज हम आप लोगों को जो मनोचिकित्सा और बाल चिकित्सा से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उनकी सीरीज में आपका स्वागत करते हैं। और आज चाइल्ड डेवलपमेंट पैडागोजी यानी CDP का टेस्ट नंबर 1 से शुरू करके इसके आप लोगों को लगभग 50 टेस्ट प्रोवाइड करवाए जाएंगे, जिसमें हर टेस्ट में 20 से 30 क्वेश्चन आप लोगों को लिए मिलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से आप लोग देख सकते हैं कि स्टडी पोर्टल आप लोगों को CTET, KVS, DSSB, MPTET, NVS और आर प्रकार के जो टीचिंग एग्जाम होते हैं उनके लिए आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाता है। आप लोग भारत के किसी भी राज्य में हो, किसी भी शहर में हो, किसी गांव में हो, आप लोगों को बाय कोरियर आपके घर तक मटेरियल आएगा। कहीं भी आपको स्टडी के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा, घर बैठ के तैयारी कर सकते हैं। उसके साथ हर प्रकार की वीडियोज आपको हमारी चैनल पे मिल जाएंगी। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, वस्तुनिष्ठ आत्मनिरीक्षण यानी ऑब्जेक्टिव इंट्रोस्पेक्शन। वस्तुनिष्ठ आत्मनिरीक्षण यानी ऑब्जेक्टिव इंट्रोस्पेक्शन की प्रविधि का संबंध इनमें से किसके साथ है? जेम्स एंड एंजल के साथ है, विलियम वोंट और टिचनर के साथ है, सिगमन फ्राइड के साथ है या फिर एनिन घोष के साथ है। दोस्तों जो ऑब्जेक्टिव इंट्रोस्पेक्शन होता है उसका संबंध जो है वो विलियम वोंट और टिचनर के साथ आमतौर पर माना जाता है। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, संज्ञानात्मक स्कूल कॉग्निटिव स्कूल जो है उसके परिणाम स्वरूप मनोवैज्ञानिक को अब किस रूप में पढ़ाया जाना चाहिए, यानी मनोविज्ञान को या साइकोलॉजी कह सकते हैं या चाइल्ड डेवलपमेंट पैडागोजी कह सकते हैं, उसको अब किस रूप में पढ़ाया जाना चाहिए, किसके अकॉर्डिंग? कॉग्निटिव स्कूल के परिणाम स्वरूप। व्यवहार व मानसिक प्रक्रिया के अध्ययन के रूप में, व्यवहार व संज्ञान प्रक्रिया के अध्ययन के रूप में, व्यवहार व संवेग प्रक्रिया के अध्ययन के रूप में या फिर उपरोक्त सभी। दोस्तों जब से कॉग्निटिव स्कूल की थ्योरी लागू हुई है उससे यह लगता है कि अब मनोविज्ञान को व्यवहार व मानसिक प्रक्रिया के अध्ययन के रूप में पढ़ाया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्वेश्चन जो है वो चूंकि मनोविज्ञान एक विज्ञान है अतः इसके मनोवैज्ञानिक नियम को निश्चित रूप से आधारित होना चाहिए। यह तर्क संगत अनुमान पर, ज्ञानेंद्रियों द्वारा इकट्ठे किए गए आंकड़ों के प्रूफ के ऊपर, स्पष्ट दार्शनिक परंपराओं पर या घटनाओं का प्रत्येक प्रक्षेपक यानी ऑब्जर्वर द्वारा की गई आत्मनिष्ठ व्याख्या के आधार पर। दोस्तों हालांकि जिस थ्योरी को हम पढ़ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम ये मानते हैं कि मनोविज्ञान एक विज्ञान है और उसके मनोवैज्ञानिक जो नियम है उनको आधारित जो होना चाहिए वो ज्ञानेंद्रियों द्वारा इकट्ठे किए गए आंकड़ों के सबूत के ऊपर आधारित होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4, मनोविज्ञान को विज्ञान कहलाने में किस कारक का योगदान सबसे ज्यादा है? वस्तुनिष्ठता का, क्रमबद्ध अध्ययन का, सीरियल वाइज स्टडी जो होता है, नियंत्रित प्रयोग का या ऊपर के सभी कारकों का? दोस्तों मनोविज्ञान को विज्ञान कहलाने में किसी एक कारक का बड़ा योगदान नहीं है बल्कि ऊपर लिखित सभी कारकों का बड़ा योगदान है, चाहे क्रमबद्ध अध्ययन हो, वस्तुनिष्ठता हो या नियंत्रित हो। दोस्तों जिस PDF के मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूं ये हमारी चाइल्ड डेवलपमेंट पैडागोजी की कंप्लीट बुक है। हिंदी मीडियम की भी है ये और इंग्लिश मीडियम की भी है। इसके अंदर आप लोगों के लिए पहले पूरा लेसन थ्योरी में होता है, उसके बाद 20, 30, 50, 40 जितने भी उस लेसन के क्वेश्चन है वो होते हैं। इसलिए हमने इसके ऊपर लोगो लगाया है क्योंकि बहुत से बच्चे जो है इसको कॉपी पेस्ट करके अपना दूसरा फायदा उठाते हैं। तो इसको अगर आप मेटेरियल ऑर्डर करते हैं तो आप लोगों को कंप्लीट स्टडी मेटेरियल, जैसे 850 क्वेश्चन है ये चाइल्ड डेवलपमेंट पैडागोजी के पिछले 10 सालों में पूछे गए वो सारे इसमें ऐड किए गए हैं और थ्योरी जो है वो भी इसमें ऐड है। अगला क्वेश्चन एक बार देखते हैं, निम्नलिखित में से किस संदर्भ द्वारा व्यक्ति का व्यवहार तथा व्यक्तित्व आंतरिक तनाव एवं अचेतन के द्वारा के द्वंद्व द्वारा सबसे अधिक प्रभावित होता है? जैविक संदर्भ यानी बायोलॉजिकल, मानवतावादी संदर्भ यानी ह्यूमनिस्टिक, व्यवहारवादी संदर्भ यानी बिहेवियरिस्टिक या फिर मनोज्ञात्मक संदर्भ यानी साइकोडायनामिक। तो इसमें से आपका आंसर जो रहेगा यहां पर वो रहेगा डी, मनोज्ञात्मक यानी साइकोडायनामिक। क्वेश्चन नंबर 6, विकासवादी संदर्भ के अनुसार मानव व्यवहार का विकास किस दिशा में तुलनात्मक रूप से अधिक हुआ है?
मन शरीर व्यवहार तथा संस्कृति के समन्वय की दिशा में, अनुकूलन तथा अनुवांशिकता उत्तरजीविता की दिशा में, सूचना संसाधन की दिशा में या व्यक्ति तथा समाज में संघर्ष की दिशा में। यहाँ आपका आंसर रहेगा व्यक्ति तथा समाज में संघर्ष की दिशा में। क्वेश्चन नंबर 7वां देखिए, क्योंकि मनोविज्ञान में व्यक्ति के व्यवहार को कारण तथा परिणाम के संबंध का विश्लेषण किया जाता है, अतः इसे क्या कहा जाएगा, सामाजिक विज्ञान, संज्ञानात्मक विज्ञान, जैविक विज्ञान या व्यवहारवादी। इसे व्यवहारवादी साइंस का नाम आप लोग देंगे। क्वेश्चन नंबर 8वां देखिए, यहां संज्ञानात्मक संदर्भ के अनुसार व्यक्ति के एक खास ढंग से व्यवहार करता है, जो व्यक्ति व्यक्ति संज्ञानात्मक संदर्भ के अनुसार एक खास ढंग से व्यवहार करता है। क्यों? क्योंकि वे उस तरह के से सोचते हैं, वे आंतरिक बलों व अभिप्रेरणा द्वारा निर्देशित होते हैं, वे पर्यावरणीय अवस्थाओं द्वारा उत्तेजित होते हैं, वे जैविक रूप से वैसा करने के लिए बने होते हैं। तो यहां आपका आंसर जो है वो रहेगा ए, व्यक्ति एक खास ढंग से व्यवहार करते हैं क्योंकि वो उस खास तरीके से सोचते हैं। जैसी आपकी सोच होगी वैसा ही आपका व्यवहार से झलक जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9वां देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मनोवैज्ञानिकों का एक समूह समाज की प्राथमिकताओं को संभवतः इस तरह से परिवर्तित करने में रुचि रखता है जिससे अति व्यक्तिगत संबंधों को अच्छा बनाने पर तथा कुछ ऐसी अवस्था उत्पन्न करने पर अधिक बल डाला जाता है जिससे मानव अंतर शक्ति को सृजनात्मक तथा सहयोगात्मक कार्यों में ज्यादा से ज्यादा लगाया जा सके। समाज वैज्ञानिक, नैदानिक, मानवतावादी या अस्तित्ववादी। यहां आपका आंसर जो हो रहेगा वो रहेगा मानवतावादी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, मानवतावादी संदर्भ के ख्याल से निम्न में से कौन सा बेमेल पद है, वर्धन आवश्यकताएं बेमेल पद है, आंतरिक वैभव का विकास, आत्म सम्मान या केवल वस्तुनिष्ठ पर्यावरण पर केंद्रित। ये आपका बेमेल रहेगा, बाकी सारी चीजें इसके साथ मेल खाती है। क्वेश्चन नंबर 11वां, मनोविज्ञान के निम्न अंकित में से कौन उपागम में चेतना के मौलिक तत्वों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, संरचनावाद, प्रकार्यवाद, व्यवहारवाद या गेस्टल्टवाद। तो इसमें से आपका जो आंसर रहेगा वो रहेगा ए, संरचनावाद। क्वेश्चन नंबर 12वां, एक प्रेक्षक को इंद्रधनुष की कलाकृति दिखाई गई, वह उससे कहा गया कि वह विभिन्न रंगों व चमक के प्रति अपने संवेदना का वर्णन करे, निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक संप्रदाय ने इस तकनीक का सबसे पहले प्रयोग किया, व्यवहारवाद वालों ने, प्रकार्यवाद वालों ने, गेस्टाल्टवाद वालों ने या संरचनावाद वालों ने। आपका आंसर यहां डी रहेगा, संरचनावाद आंसर होगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13वां, निम्न में से किसे आप गेस्टाल्टवाद मनोवैज्ञानिकों के समूह में शामिल नहीं करेंगे, कोहलर इनमें आता है, बिल्कुल आता है, कूट गोफ का भी आता है इसमें, कूर्ट लेविन भी आता है इसमें, जो मैकडूगल दिया गया है ये इस सूची के वैज्ञानिकों में मनोवैज्ञानिकों में इसका नंबर नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर आपका 14वां, फ्रायड ने निम्न में से किस विधि का प्रयोग अचेतन की इच्छाओं को जानने के पहले पहल किया, स्वतंत्र सहचार्य, सम्मोहन, सौपन विश्लेषण या पार प्रोक्सेज। तो यहां आपका आंसर रहेगा सम्मोहन। क्वेश्चन नंबर आपका 19वां, मनोविज्ञान फ्रायड के अनुसार सौपन की उत्पत्ति होती है जब व्यक्ति अपने दिन प्रतिदिन इच्छा की पूर्ति नहीं कर पाता है, तब होती है। यस, जो दिन में जिन बातों को हम सोचते हैं उन्हीं बातों को हम आमतौर पर सौपन में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16वां, प्राथमिक सत्र की शिक्षा होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए भाई, मूर्त होनी चाहिए, जीवन से संबंधित होनी चाहिए, रोचक होनी चाहिए या फिर सभी प्रकार की होनी चाहिए। प्राइमरी लेवल पर जो एजुकेशन है ना वो सभी प्रकार की होनी चाहिए, इनमें से वो आपकी मूर्त भी होनी चाहिए, वो आपके जीवन से संबंधित भी होनी चाहिए और वो रोचक भी होनी चाहिए, इंटरेस्टिंग भी होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 17वां, प्राइमरी लेवल की शिक्षा होनी चाहिए, सैद्धांतिक तथ्यों पर जोर होना चाहिए, छात्र सक्रियता पर जोर होना चाहिए, भाषणों पर जोर होना चाहिए या पाठ्य पुस्तकों पर जोर होना चाहिए। दोस्तों प्राइमरी लेवल यानी प्राथमिक जो सत्र की शिक्षा है उसमें छात्र सक्रियता के ऊपर जोर होना चाहिए, स्टूडेंट कितने उसमें कंटिन्यूटी दिखाते हैं, कितने उनकी अवेयरनेस हो पाती है, जागरूकता हो पाती है या कितना ज्यादा वो एक्टिव रह सकते हैं, सक्रिय रह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18वां, एक भावात्मक रूप से संतुलित छात्र कक्षा कक्ष में अपने सहपाठियों में मैत्रीपूर्ण संबंध रखता है, सहपाठियों से प्रभावी अंतःक्रिया नहीं करता, वह नवीन विचारों में कोई योगदान नहीं देता या सहपाठियों द्वारा किए गए विचारों का सम्मान नहीं करता। बात की गई भावनात्मक रूप से संतुलित छात्र,
यह कक्षा कक्ष में अपने सहपाठियों में मैत्रीपूर्ण सह संबंध स्थापित करके रहता है या रखता है। क्वेश्चन नंबर 19वां, मनोविश्लेषण पद्धति के प्रवर्तक कौन रहे हैं, कार्लोज रहे हैं, फ्राइड युग व एडलर रहे हैं, रोसा रहे हैं या फिर रोस रहे हैं। यहां आपका जो आंसर रहेगा वो रहेगा फ्राइड युग व एडलर। क्वेश्चन नंबर 22वां, शिक्षण और अधिक प्रभावी हो सकता है अगर छात्रों को स्वयं कार्य करने की स्वायत्ता और नियंत्रण दिया जाए, छात्र अधिगम शिक्षण द्वारा निर्देशित स्वयं नियंत्रित हो, शिक्षक तथ्यों की व्याख्या करने में केंद्रीय भूमिका निभाएं और शिक्षक अधिगम को निर्देशित करें। यहां आपका आंसर रहेगा ए, छात्रों को स्वयं कार्य करने की स्वतंत्रता और नियंत्रण अगर दिया जाए तो शिक्षण और अधिक प्रभावी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर आपका 21वां, मनोविज्ञान को विज्ञान के स्तर तक लाने का श्रेय मनोविज्ञान अध्ययन की किस पद्धति को दिया जाता है, प्रयोगात्मक पद्धति को, निरीक्षण पद्धति को, नैदानिक पद्धति को या फिर प्रश्नावली पद्धति को। यहां आपका आंसर रहेगा प्रयोगात्मक पद्धति को। प्रयोगात्मक पद्धति वो पद्धति है जिसके अंतर्गत विज्ञान मनोविज्ञान को यानी साइकोलॉजी को या चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी को साइंस के लेवल तक लाने का क्रेडिट दिया जाता है। इसको आप लोग मनोवैज्ञानिक अध्ययन की श्रेणी के अंदर अब देखते हैं। तो ये थे दोस्तों टेस्ट सीरीज नंबर जो वन थी उसके ये 21 क्वेश्चन थे। कल हम सीरीज नंबर 2 लेके आएंगे। डेली आप लोगों के लिए काफी सारी सीरीज आएंगी ताकि ये 850 से 900 क्वेश्चन जो पिछले 10 सालों के हैं वो आपको उपलब्ध करवाए जा सके। अगर आप लोगों को इसकी ई बुक चाहिए तो वीडियो पर डिस्क्रिप्शन में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। अगर कंप्लीट मटेरियल चाहिए तो आप कंप्लीट मैटर को भी बाय कोरियर ऑर्डर करवा सकते हैं। तो उसके लिए आप लोगों को जो स्क्रीन पे जो सबसे पहले जो नंबर दिया गया है स्क्रीन पे भी नंबर मिलेगा और यहां भी नंबर है 8447410108, इस पर कॉल करके या व्हाट्सएप पे एड्रेस भेजकर कर सकते हैं। धन्यवाद, शुभकामना।